नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत सिंह सैनी एलनाबाद से, कैरियर कोचिंग सेंटर से। तो आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर एलनाबाद। और जब आप गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हो, ट्विटर के अंदर भी सर्च कर सकते हो इसको, और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, और फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में जो पास वाली जो बेल है उसको क्लिक कीजिए, और ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास ये तुरंत ही पहुँच जाए। तो मेरा आज का टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से करना है। हिंदी का टॉपिक है, एच टेट, री टेट, एनी अदर एग्जाम है जो जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, तो उसमें ये आ सकते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें किया गया। आप देख रहे हो व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से है। सबसे पहले उन्होंने देखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा से निकलते हुए हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी भी स्थान से, विशेषकर कंठ से, तालुए से, मूर्धा से, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब भी हवा निकलती है फेफड़ों से निकलते हुए, हमारे मुंह से हवा निकलती है और वो किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो वो कौन कौन से भाग है? एक तो कंठ को स्पर्श करती है वो हवा है जो, दूसरा तालुए तालु को स्पर्श करती है, मूर्धा को भी स्पर्श करती है, दांत को या होठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो इस व्यंजनों के अंदर देखो ध्यान से, वर्ग के अंदर देखो, वर्ग है ये दे रखा है इन्हें, देखो वर्ग, उच्चारण स्थान, अघोष, अघोष, महाप्राण, संघोष, अल्पप्राण, संघोष, महाप्राण, संघोष, अल्पप्राण, नासिके, तो इसके अंदर अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। देखो कंठ से, कंठ जो दे रखा है, देखो कंठ, कंठे, कंठ हो गया, कंठ से कौन से बोले जाते हैं? क, ख, ग, ये बोले जाते हैं, ग, घ, अड़, ये बोले जाते हैं। अब देखो क, क कौन सा गया? ए घोष अल्पप्राण के अंदर आता है ये क, क्योंकि इसके अंदर कम समय लगता है। क, ख, ख बोल के देख सकते हो आप, ख, तो इसके अंदर ज्यादा समय लगता है। इसके अंदर ए घोष और ए घोष अल्पप्राण और ए घोष महाप्राण के अंदर। दूसरा है, इसके अंदर टाइम टेबल भी बना सकते हो आप इस तरह से जो बना रखी है, संघोष अल्पप्राण और महाप्राण, यानी संघोष अल्पप्राण यानी कम समय लगता है, गय, घ, संघोष महाप्राण आ गया, संघोष अल्पप्राण नासिका जो नाक, नासिका नाक से भी निकलती है इसका साउंड, अड़, तो ये देखो कंठ से बोले जाने वाले क, क, गय, घ, अड़, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कर्ग से बोल, कर्ग यानी कि जो है ना कर्ग ग्रुप से निकलने वाले साउंड है, क, ख, ग, घ, ड, तो ये कर्ग वर्ग है, तो इससे ये कंठ से बोले जाते हैं। और ये कंठ, कंठे तालुए, देखो तालुए से कौन कौन से बोले जाते हैं? तालुए से जैसे च, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग होता है ये, च, छ, ज, झ, ज, तो ये देखो चर्ग वाले जो होते हैं वो होते हैं च, अल्प होता है, और छह महाप्राण प्राण के अंदर होता है, जय संघोष यानी अल्प प्राण हो गया, और जय महाप्राण हो गया, और अणे ये तो नाक से बोले ही जाता है, आपको पता ही है अल्प प्राण नासिका के अंदर आता है ये। उसके बाद के अंदर देखो ध्यान से, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? मूर्धा यानी टर्ग जो है ना, टर्ग वाले ग्रुप के अंदर से, टै ठै ढै ढै वाले वाक्य आगे, टै ठै ढै, ये जो देख रहे हो आप, टै ट ड अण, ये है, ये हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा से कहते मुंह के भीतर ऊपरी, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है ये, मुंह के भीतर का जो भाग होता है वो होता है ऊपरी भाग होता है, उसको बोलते हैं ये। ये देखो आपके सामने चित्र भी है, ये आपको डायग्राम है, वर्णों के उच्चारण स्थान देखो कहाँ कहाँ से। ये देखो ऊपर वाला भाग है नासिका से,
में दंत मूल से देखो, दंत मूल से कौन कौन से बोले जाते हैं, दंत मूल र और ल से होते हैं, दंतेतरग वाले वाक्य, ये आपका डायग्राम। मूर्धा से बोले जाने में देखो, रि ऋषि और टरग चय, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और तालवे, जो तालवे से देखो, ई वर्ग वाले, ई छोटे ई और बड़े ई, चर्ग ये और श वाले बोले जाते हैं। और कंठ से, कंठ प्लस तालवे से दोनों से बोले जाने वाले, कंठ से भी बोले जाते हैं और तालवे से भी बोले जाते हैं। तो वो है देख लीजिए, ए और छोटा ए और बड़ा ए। दूसरा कंठ और होठ से बोले जाने वाले, देखो बड़ छोटा ओ, बड़ा ओ और उसके अंदर ओम वाला आ गया। और कंठ से बोले जाने वाले कंठे, ए आ, ये विसर्ग वाले, कर्ग वाले भी आते हैं इसके अंदर। जो कंठ से बोले जाने वाले, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा पढ़ा था, पहले भी पढ़ लिया हमने, जो कर्ग वाले है ये कंठ से बोले जाने वाले वाक्य हैं। जो सॉरी वर्ण है, ये वर्ण और सवर, वर्ण भी है और सवर भी है। और ओष्ठ से बोले जाने वाले यह है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, परग वाले आते हैं और वो ओष्ठ के अंदर। तो ये है आपका डायग्राम, आप इसको कॉपी के अंदर बना सकते हो और लिख भी सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, नोट नोट भी कर सकते हो। ये जो दंत से बोले जाने वाले, दंत से तय, जो तरग वाले तय थे दे धे ने, आपने चित्र के अंदर भी देखा होगा पहले, वो आप देख सकते हो, इजी था ये। और ओष्ठ से जो परग वाले पै फै भै मै बोले जाते हैं। और नोट करना है, कुछ विद्वान व चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। ध्यान रखना, कुछ विद्वान मानते हैं चय को वर्ग, चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। तो घोष तत्व के आधार पर, ये देखो घोष, घोष तत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है क्या होता है, स्वर तंत्री तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ए घोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन ए घोष श्रेणी के अंदर आता है। ये अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। ए घोष जो है वो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, देखो ध्यान से कितना इजी, बहुत इजी है ये, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन कम हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो है उसमें कंपन कम होता है, तो ये ए घोष श्रेणी के अंदर आते हैं। पीछे भी हमने पढ़े पढ़े थे, हमने अभी भी पढ़ा है ए घोष अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। संघोष कौन सा होता है, जो घोष संघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, यानी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, वो जैसे तीसरा चौथा और पांचवें के अंदर बहुत ज्यादा कंपन होता है, तो वो संघोष श्रेणी के अंदर आते हैं। तो प्राण के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, तो अल्प प्राण और महाप्राण हमने पढ़ा है, पहले भी देख लिया था, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हो वो अल्प प्राण, और मुख से ज्यादा हवा निकलता हो वो महाप्राण होता है। इसमें देखो अल्प प्राण कौन सी है, पहला और तीसरा और पांचवा। यहाँ पर ट्रिक भी बना सकते हैं, 135 की ट्रिक बना सकते हैं, जैसे 135 याद रखना भी अल्प प्राण में आता है, महाप्राण में बाकी के जो 25, दूसरा और चौथा, तीन चार, तीन और चार यानी 24, तीन सॉरी दो और चार 24 करना है, और 135 और 24 याद रखना, अल्प प्राण महाप्राण का ये हो गया ये अपना। तो ये देखो ध्यान से आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखिए, ये है अपना। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सॉरी, तो ये अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, ये दोस्तों ये थे हमारे स्टार्टिंग के, जो हमने जो सबसे पहले ये पढ़ा था, तो ये है हमारे प्राण के, अब जो है महाप्राण के तौर पर, ये जो हमारे जो दूसरा जो टॉपिक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारे है अलग से टॉपिक आ रहा है,
ये अब हम ये करेंगे, वर्ग उच्चारण के अंदर तालवे यह तालवे से बोला जाता है, र दंत और मसूड़ों से बोला जाता है, ल दंत मूल और मसूड़ा वत्स्य के अंदर आता है, दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचले होठ से आता है, वह तो यह और वह ध्यान से सुनो, यह वह अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो स्वर को भी व्यंजन कहते हैं, यह वह र लुंठित हो गया, ल पार्श्व के अंदर आता है, उत्सव संघर्ष जो उत्सव, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्सव या संघर्ष जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ध्यान रखना जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर ध्वनि निकलती हो उसे बोलते हैं, यही होता है। तो ये थे आज के हमारे जो टॉपिक, और ये जो ये और देख लो आप, इसके अंदर ये जो दे रखा है स श श है, ये भी तालवे और व्यंज तालवे से बोला जाता है, स तालु और श जो षटकोण वाला है वो मूर्धा से, स स्लेटी वाला दंत मूल मसूड़ों से, और है स्वर यंत्र, यह स्वर यंत्र है कंठ के भीतर में स्थित होता है, संघोष के अंदर आता है, ये महाप्राण के अंदर, तो याद रखना ये जो हमारे जो है। तो इसी के साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो, इसको बार बार वीडियो को देख कर भी आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी जो स्वरों को। तो मैं यही चाहूँगा अभी आगे नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही आएगी, तो इसे इस मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो मुझे टिप भी बताइए मैं ताकि इसको सुधार कर सकूँ, क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।